पिता परमेश्वर याकूब ते आशीष दें। जब वो बच्चा बड़ा हुईन तो याकूब ते अपना घर में रोन अच्छु लगु छो, पर ऐसा होते जानवरों की शिकार कन अच्छु लगु छो। रिबका याकूब ते खूब मन छे, पर इसहाक ऐसा होते खूब मन छो। एक दिन जब ऐसा शिकार करी के वापस आई तो वे थे बहुत भूख लगी। ऐसा वाल याकूबो को बोली, जुतेरो पक्यूच वाह माँ बेटी थोड़ा सी मीते दे दी। याकूबल जवाब दे, पहल मी बेटी वाद कर कि पहल नौना होने को कारण से हर एक चीज जुतवे ते मिलन चैनी च उ सभी मीते दिल। तब ऐशावल उन सभी चीजों ते याकूब ते देने को वाद कर दीन। तब याकूबल वे ते थोड़ा सी खाणु दीन। इसहाक ऐशाव ते आशीष दीन चांचो, पर यहाँ से पहली कि ऊ इन कर दो रिबिका और याकूबल याकूब को ऐसा होने को ढोंग कर के वे दगड़ी धोखा खैर। इसाक बुढ़े छो और देख नहीं सको छो, इले याकूबल ऐसा का कपड़ा पहरिन और बकरा का खलड़ते अपना गौला और हाथों पर लपेट दिन। याकूब इसाक का समय आई और बोली, मैं ऐसा छो, मैं इले आयु छो कि तू मीते आशीष दे। जब ईसा कल बकरा का खलड़ते महसूस करी और कपड़ों ते सूंगी तो वेल सोची कि ऊ ऐशावच और वे थे आशीष दीन। ऐसावल याकूब दगड़ जलन रखी किले की याकूबल वे का पहल नौना का अधिकार ते और दगड़ में वे की आशीषों ते भी चोरेल छो। तब वे लपड़ बुबा का मुरना का बाद याकूब ते मरने की योजना बने, पर रिबकल ऐशाव की योजना ते सुन दीन। इले वील और इसहाकल याकूब ते वे का रिश्तेदारों का दगड़ी रौनों को बहुत दूर भेज। याकूब बहुत सालों तक रिबिका का रिश्तेदारों का दगड़ रही। वे भगत वेल ब्यो कैरी और बारह नौनू ते और एक नौनी ते पैदा कैर। पिता परमेश्वर वे ते बहुत अमीर बनाई। 20 सालों तक कनान देश में अपना घर बेटी दूर रौना का बाद याकूब अपना परिवार अपना नौकरों और अपना जानवरों का सैर झुंडों का दगड़ी उख वापस लौट। याकूब इले बहुत डरियो छो किले की वेल सोची कि ऐसाव अभी भी याकूब ते मरण चाणु छो। इले वेल तोफा मा जानवरों का झुंड ऐसाव मा भेजी। जुन नौकर ऊन झुंडों ते लेके गयो छो, ऊन बोली, तेरो दास याकूब यूं जानवरों ते त्वे ते दी उ जल्द ही आणु छ। पर अब ऐसाव अब याकूब ते नुकसान नहीं पहुँचाण चाहन छो। यहाँ का बाद वे ते एक बार फिर से देख के बहुत खुश हुए। वहाँ का बाद याकूब कनान मा खुश हुए के रही। तब इसाक मुर्गे अर याकूब अर ऐसावल वे ते दफने। वाचा कु वादा जो पिता परमेश्वर अब्राम बेटी कैर छो उ अब ऐसाव अर याकूब पर आगे छे। उत्पत्ति अध्याय 25 का 27 से 35 का 29 बटी बाइबल की एक कथा।